लेकिन आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो गए क्योंकि 8 साल पे ये कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक सितंबर में आ रहे हैं, वो अपनी मिसिस को ला रहे हैं। आपने 5 साल किसी के साथ काम किया, 3 किसी के साथ कर लो, या अगर किसी का 2 साल का रिलेशन ऑलरेडी है तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आप सबको पता है कि एक स्टूडेंट जब अपने घर से निकलता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के लिए अपना घर छोड़ता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। और अपनी कंट्री हम छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं हमें इस कंट्री में मिल सकते हैं। लाइक कहीं भी आप जाओ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको पता है जाते हैं कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यूके की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, तो यहाँ पर क्या है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। जैसे कि अगर आप यहाँ के नेशनल हो जाते हो तो आपको पता है कि आपको बेनिफिट्स काफ़ी किस्म के मिलते हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उनको वो पैसे देते हैं, उनकी पॉकेट मनी देते हैं, आपको यहाँ पर वो घर दे सकते हैं। घर ये नहीं कि पूरा बंगला देंगे, लाइक जितनी आपकी अकोमोडेशन आपको नीड है उतनी देंगे। आप बीमार हो गए आपको पैसे मिलेंगे, आप काम नहीं करते आपको पैसे मिलेंगे। तो हर स्टूडेंट अब कोई भी यहाँ यूके आ रहा है ना, तो वो यही सोच के आ रहा है कि यार वहाँ पर जाऊँगा, एक रूट है आपका 5 साल का रूट है जिस पे आपको पीआर मिल जाती है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे और भी लोग हैं जो यहाँ पर बिज़नेस वीज़ा वगैरह पर भी आ रहे हैं, वो यही सोच कर आते हैं कि यार हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, हमें पीआर मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी गलतफहमी है कि हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं और एज अ स्टूडेंट हम वहाँ पर 3 साल की किसी की डिग्री है, यानी किसी की अगर बैचलर की डिग्री है वो 3-4 साल की है, 3-4 साल का उसका वीज़ा है, और किसी की मास्टर्स की डिग्री है और वो लाइक मेरी 2 साल की है, मेरा 3 साल का वीज़ा है, तो उसके बाद 2 साल मैं यहाँ पर काम करूँगा PSW पे, 5 साल पूरे और मुझे PR मिल जाएगी। तो ऐसा सीन कुछ नहीं होता, आपको यहाँ पर 5 साल काम करना पड़ता है वर्क वीज़े के ऊपर, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो यहाँ पर PR के लिए, ILR के लिए। उससे पहले आप बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत गलतफहमी है। मुझे भी किसी ने ये गलतफहमी डाली थी, उसके बाद मैंने ये रूट लिया था कि मैं भी यूके के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च प्रॉपर की और मुझे यूट्यूब से ही पता लग गया था कि ऐसा कोई रूट नहीं होता। आपको 5 साल वर्क वीज़े के ऊपर काम करना पड़ता है और स्पेशली आपकी एक पे होती है, लाइक अगर आप वर्क वीज़े पर आ रहे हो तो आपकी जो पे होती है वो 26,200 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप आ सकते हो, नो डाउट आ सकते हो, काम भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया है जो कि अभी ये भी सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा के वो 30,000 या 32,000 पे लेके जाने की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो होम सेक्रेटरी है ना सुइला ब्रेवमैन, उन्होंने ये बात की थी, एक तजवीज़ रखी थी कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक बैड न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूँ कि एक ऐसी ही तजवीज़, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में बैठे उन्होंने आपस में बात की है। आप कहो कि एक सेकंड सोर्स है, अभी फर्स्ट सोर्स क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि डिपेंडेंट्स का भी इन्होंने कहा था कि पहले 27 जुलाई को हमने ख़त्म कर देना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया आप देख सकते हो, तो उसमें उन्होंने डिटेल में कहा था कि भाई हम 27 जुलाई से ख़त्म कर देंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी मिसिस वगैरह को ला सकते हैं, तो वैसा नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने अप टू उसको 24 जनवरी तक कर दिया। तो इन बिटवीन ये भी बात क्लियर कर देता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं लाइक सितंबर में आ रहे हैं, वो अपनी मिसिस को ला रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जनवरी में, दिसंबर से पहले या जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं वो उनको लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। या अगर किसी का 2 साल का रिलेशन ऑलरेडी है तो उसको तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मुझे कल भी कुछ लोग पर्सनली मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, जो मेरे लाइक फैमिली मेम्बर्स थे, तो उन्होंने भी ये बात मुझसे पूछी थी। तो लाइक अगर आपका रिलेशन पुराना है ना, तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। न्यूली कपल, जो लोग अचानक ही शादी कर रहे हैं या 1 साल की जिनकी शादी है, वो नहीं लेके आ पाएंगे। ये बात मैंने कहा चलो मैं क्लियर कर देता हूँ इस टॉपिक में। तो ऐसे ही एक रूल इन्होंने अब दोबारा निकालने की बात की है। अब वो बात ऐसी है कि आपको पता है कि यूके के अंदर, या आप किसी और कंट्री की बात करते हो, कनाडा की करते हो, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह डिफरेंट रूट है। कोई 2 साल के बाद आपको पीआर देता है, कोई 3 साल के बाद, यूके जो है वो आपको 5 साल के बाद जब आप वर्क वीज़े पे काम करते हो आपको पीआर देता है। लेकिन अब ये क्या सोच रहे हैं कि हमें इस रूट को ख़त्म करना चाहिए, हमें इसको अप टू 8 ईयर्स पे लेके जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि यार 5 साल ही बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर पीआर लेने के लिए, और 8 साल तो मेरे ख्याल में, 8 साल पे किसी को क्या पता कि यार आपको वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी भी या नहीं करेगी। तो लाइक पहले आपको जो जिनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैं बात बताता हूँ, आपको पहले 3 साल की यहाँ पे BRP मिली है, उसके बाद वो उसको एक्सटेंड करके 2 साल की और देते हैं। ऐसा आ रहा है कि 5 साल की नहीं आ रही, तो यही सीन है कि आप उसको 8 साल पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई स्पॉन्सर, हाँ अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आप उनके साथ एडजस्ट हो गए हो, तो हाँ इट्स गुड, वो आपको आगे एक्सटेंड कर देगा, तो वो आपके लिए आसानी है। अगर कोई एक्सटेंड नहीं करेगा तो फिर आपके पास यही एक हाल है, या तो आप उसको कन्वर्ट करो किसी और कंपनी के साथ, कोई और आपको स्पॉन्सर करे, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लाइक आपने 5 साल किसी के साथ काम किया, 3 किसी के साथ कर लो, तो वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा।
तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत मेजर इशू है। इशू क्यों बना है? बेसिकली बात ये है कि देखो, आपको पता है कि स्टूडेंट्स ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब लाइक आप बात करो कि एक साल के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 लाख इजीली स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, और उसके साथ जो मेन इनको इशू क्या है जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं कि डिपेंडेंट साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ इनको सबसे ज़्यादा इशू यही कंट्रीज़ के साथ है जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, इनके साथ इनको सबसे ज़्यादा इशू है। तो ये कह रहे हैं कि यार सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट यहाँ से आ रहे हैं, तो डिपेंडेंट को ही ख़त्म कर दो। उसके साथ अब ये पीआर भी किसी को देना चाह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार उसके लिए भी इसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। तो इस वजह से ये मेनली इसको बंद कर रहे हैं। और सेकेंड हैंड यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर रिफ्यूजी सेंटर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो गए हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि भाई लोग कश्तियों में आ रहे हैं, कोई शिप्स में आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें भी, मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा शिफ्ट्स आती हैं, इतने रिफ्यूजी सेंटर हैं ना यहाँ पर, वो भरे पड़े हैं। और उनको अभी वो ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं कि क्रूज शिप्स को बनाना शुरू कर रहे हैं, और क्रूज शिप्स पर उनको भर के उनको समुंदर पर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी उनका प्लान देखो कि अपनी कंट्री से लोगों को निकालने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये अगर आप अब आने की सोच रहे हो तो आपको सोच के आना पड़ेगा कि यार हम यहाँ पर सेटलमेंट अपनी कैसे कर सके। तो यार ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर कोई सोच रहा है जनवरी इनटेक में या सितंबर इनटेक में आने के लिए, जनवरी वाला तो मुझसे बाद में रब्ता करे, सितंबर वाला मुझसे अभी रब्ता कर सकता है। अभी कोई किसी तरह की भाई स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो स्कॉलरशिप वाला मुझे कोई मैसेज ना करे। अगर कोई पाकिस्तान से यूके आना चाह रहा है, इंडिया से नहीं, आई एम रियली सॉरी, पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ इंडिया के लिए, तो पाकिस्तान से कोई भी आना चाह रहा है मास्टर्स के लिए स्पेशली, बैचलर वालों के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, वो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में सारी डिटेल में बात बताई हुई है। मास्टर्स के लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, UWS, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और BBP। अगर कोई भी आना चाह रहा है तो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।